अरुणिमा, ये वो हैं जिनके प्यार के किस्से मामूली नहीं, क्योंकि इन्हें प्यार है मगरमच्छ से, डॉल्फिन से और तो और कछुओं से। जैसे प्यार में लोग सब कुछ भूल जाते हैं, ठीक वैसे ही जब अरुणिमा किसी मगरमच्छ को मुश्किल में देखती हैं, तो फौरन उसे बचाने पानी में कूद पड़ती हैं। उनकी इस रोमांचक कहानी की शुरुआत हुई उत्तर प्रदेश के गांव सीतापुर से। एक बार मानसून के वक्त नदी में पानी भर जाने से मगरमच्छ नहर के रास्ते आ पहुंचा। 3 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद मगरमच्छ को तालाब से निकालकर नदी में छोड़ा गया। अरुणिमा टोटल सर्वाइवल अलायंस एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी से जुड़ी हुई हैं। उनका कहना है, मुझे केवल जानवरों का दर्द दिखता है। मुसीबत में फंसे जानवर की घबराहट देखकर मन में दया आ जाती है। दिमाग में केवल उसे जल्द से जल्द बचाने की जद्दोजहद चलती रहती है। 7 फीट लंबा मगरमच्छ हो या नुकीले दांतों वाली डॉल्फिन या फिर कितना ही भारी कछुआ हो, अरुणिमा को किसी भी जानवर से डर नहीं लगता। उनका कहना है कि जानवरों से उनका एक अच्छा बॉन्ड बन चुका है। जानवरों का रेस्क्यू करते वक्त दोनों की आंखें मिलती हैं और उसी समय दोस्ती हो जाती है। रैम्बो घड़ियाल और टॉमी अजगर, इन जानवरों को ये नाम अरुणिमा ने ही दिया है। उनका कहना है कि जब भी वो जानवरों को उनके दिए नामों से पुकारती हैं, तो वो उन्हें सुनते हैं और समझते भी हैं। जानवरों का रेस्क्यू करने के लिए पहले उन्होंने खुद ट्रेनिंग ली और आज वो खुद स्कूल कॉलेजेस में, यहाँ तक कि आर्मी अफसरों को भी ट्रेनिंग देने का काम कर रही हैं। जानवरों के अलावा उनको नदियों से भी खूब लगाव है, लेकिन कहानी में छोटा सा ट्विस्ट ये है कि उनके इन सारे कारनामों के बारे में उनकी माँ को कई बार कुछ पता नहीं होता, लेकिन अरुणिमा इस काम में इतनी एक्सपर्ट हो चुकी हैं कि अपनी सूझबूझ और साहस से वो कई जानवरों को उनकी मंजिल तक पहुंचा रही हैं।